सरकार बना ली। आपका दिल्ली में क्या हुआ, एक जगह सात में से जीरो आया, पंजाब में आपकी सरकार है जी, क्या नंबर आया आपका, कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिए ना इस बात का। अमित भाई दिल्ली में साथ गठबंधन किया, जिस पार्टी को आपने चुनाव हराया, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करके उसके साथ गठबंधन किया, और यही मंच था, मैंने बोला था दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार को टिकट देने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये लिख के ले लो, और वही रिजल्ट आया। पंजाब में आपका क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ, अपनी बात कह ली, नहीं नहीं आपने कही अपनी बात, मेरे को लगता है कि रोहन जी की जरूरत है, नहीं नहीं मेरे को क्यों, आप बीच में बोलो जाओगे, मेरे को फायदा क्या, बोलो काउंटर तो जवाब दूंगा ना आपने, नहीं आपने आपने कहा दिल्ली में क्या हुआ, देखिए ये ऐसा बहुत बार देश के अंदर हुआ है, जब राज्य के अंदर अलग सरकारें हुई है, लोगों ने केंद्र में अलग वोट दिया है, दिल्ली के अंदर यहीं पे खड़े हो ना, यहीं रहना आप, अभी दो चार महीने में चुनाव होने वाले, बिल्कुल यही होगा, तीन ऑटो में बैठ के आते थे, 15 तीन विधायक जीते थे बीजेपी के, उसके बाद फिर चुनाव हुआ, खूब अभी तो चुनाव गया उसकी बात कर रहे थे, आठ आए, यही रोहन गुप्ता जवाब, रोहन गुप्ता जवाब, जवाब ओके अब आपने 3.5 मिनट बोला, रोहन गुप्ता जवाब। देखिए आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, जो उनके साथी हैं इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया, मुझे बताइए जो गठबंधन ठगबंधन हुआ चुनाव के लिए, अभी दिल्ली में पानी के मामले में तो कांग्रेस इनके सामने खड़ी, तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, और देखिए जनता ये स्वीकार नहीं करती इस प्रकार के गठबंधन, आप पहले लड़ रहे हैं एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और बाद में आप जैसे ही चुनाव आते हैं उसके बाद में वापस अलग हो जाते हैं, क्या तरीका है, उनके चक्कर में महात्मा गांधी की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब के जो नेता है उनके दफ्तर से गायब हो गई, ये इनकी संगत का असर है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली की जनता ने, उन्होंने बहुत इमोशनल क्रिएट करने का ट्राई किया, इमोशंस बनाएंगे, क्या हुआ, क्यों हराया जनता ने, आप जनादेश को तो स्वीकार कीजिए, आपका होम स्टेट है वहां पे हार रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं, भाई साहब साफ हो जाएगी, यही आपका बात तो सही है कि आपके घर में आपकी दुकान बंद हो रही है और आप पूरे देश में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं, बताइए आपको लगता है हमारी दुकान बंद हो रही है, नहीं लोकसभा में तो बंद है, हमारे को सुनिए सुनिए हमारा शोरूम आपको दिखाई दे जाएगा, 3 महीने रुक जाओ, अब आपको दिखा देंगे, और चुनाव ये इतनी बात तब कर रहे हैं कि क्योंकि देश की जनता ने देखा महाराष्ट्र में जो गदर मचा रहे थे, अजीत पवार करप्ट है, 70,000 करोड़ अपने साथ में बिठाया, अच्छा दिल्ली में क्यों हारे, शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद में आधार घोटाले का इल्जाम लगाने के बाद में उस आदमी को भी आप लेके आ गए अपनी पार्टी में, लोगों ने क्या जवाब दिया, इतनी बेईमानी के बाद में आप देखिए, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जीतने के लिए, और देखिए ये पानी की बात कर रहे हैं, एक बात में ये बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए दिल्ली में पानी पैदा नहीं होता, हर के स्टेट से आता है, ठीक है, एक मिनट सिर्फ 30 सेकंड बच्चों सब सुनना इस बात को, एक प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो काम करना चाहिए, सुनिए अभी एक बिजली भी नहीं आ रही है, पूरा पसीना से लथपथ है, कहां नहीं आ रही है, सुखदेव विहार में 4 दिन का कहीं पानी नहीं, दिल्ली में भी 7 घंटे दिल्ली में, देखिए देखिए अमित भाई, अमित भाई देखो ऐसी देखो, ये रोहन भाई भी जानते हैं, एक मिनट अमित भाई, रोहन भाई आप मेरे साथ पहली बार डिबेट में आए होंगे, ऐसा ऐसे देखो नॉन सीरियस बात तो ठीक नहीं, नॉन सीरियस सही तो कह रहे हैं, बिजली कहीं नहीं आ रही, कहीं ऐसा है, आपको लगता है, आप रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट है, बताओ आप इतने बड़े न्यूज चैनल के इतने बड़े एंकर हो, अरे चालू अभी 2 दिन, अरे एक एक करके एक एक करके अमित जमाई साहब भी इंतजार कर रहे हैं, एक बात के लिए 30 सेकंड अगर देश लंबा नहीं छोटा बहुत छोटा, अगर देश की राजधानी के अंदर पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, जो आसपास की स्टेट से उनसे पानी आता है, क्या सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का एक काम यह नहीं बनता कि इसको एक नेचुरल इमरजेंसी है, उसमें बैठ के देखा जाए कि सबको पानी मिल जाए, इसमें भी राजनीति होगी क्या यार, हम लेटर लिखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री को, लिख रहे हैं हरियाणा के लेटर, नहीं नहीं जब आप, नहीं, आप बताइए थे, जब आप जवाब 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 शीला दीक्षित ये बात बोलती थी, कांग्रेस की रिस्पेक्टेड लीडर स्वर्गीय शीला जी जब ये बात बोलती थी, वो आप कहते थे ये लेटर लिख के काम हो जाता है क्या, नहीं तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेटर लिख के काम हो रहा है, नहीं नहीं पॉइंट ये है, देखिए देखिए रोहन जी का सारा काम आप कर रहे हैं, नहीं मैं रोहन जी का काम नहीं कर रहा, मैं जनता का काम कर रहा हूँ, पानी जनता को नहीं मिल रहा, बिजली जनता को नहीं मिल रही, काम कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि जो जनता की बात करता है, जो पब्लिक की बात करता है, वो आपको अपना दुश्मन बना रहा है, बिजली नहीं आ रही, आप देखो मैं नहीं बोल रहा, ऑडियंस कर रहा है, आज कांग्रेस को तो कन्विंस करे, आज कांग्रेस उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है दिल्ली में, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्टनर को तो बात, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आपको बात कहने दे रहा हूँ, लेकिन लेकिन इंटरेस्टिंग मटका फोड़ रैली कांग्रेस पार्टी कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के अंदर। अमित भाई बड़ा प्रश्न ये है कि देखिए ये सियासत 360 डिग्री है, हर तरह की बात होगी, टेम्परेचर भी हाई है, यानी मौसम का टेम्परेचर, गर्मी का माहौल, लेकिन संसद की गर्मी बढ़ने वाली है, कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि सदन में अब तो विपक्ष भी अच्छा बड़ा और असरदार होगा, हमको भी रिपोर्ट करने में मजा आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो बातचीत देश में बहुत सौहार्द और बहुत ज्यादा जो है बातचीत का अच्छा माहौल होता है, हम बहुत अच्छा माहौल देने वाले हैं समाजवादी लोग, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सवाल इस 17 साल की सरकार से है, 10 साल नरेंद्र मोदी का रिजीम
सात साल हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हमारे हैं योगी जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप युवाओं को शिक्षा नहीं देना चाहते हो, कल ये युवा तैयार होंगे जब नौकरी करने जाएंगे, आर ओ हो या ARO हो या यूपी पुलिस हो या शिक्षकों की भर्ती हो, दास्ताने पर्चा लीक है उत्तर प्रदेश में। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो, क्या हम सब लोग मिलकर ये फैसला कर सकते हैं कि इनके भविष्य से कोई किसी को हम लोग खेलने नहीं देंगे? लेकिन रोजगार सृजन करने में ये सरकार नाकाम रही, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव जी, भारत की संसद में जो पहली बात समाजवादियों की सबसे बड़ी लड़ाई है कि प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना पे केसी त्यागी जी ने बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट दिया था, अभी एक हफ्ते पहले का है, या तो हमारे दोस्त जेडीयू के बैठे हैं उसको कंडेम कर दें। उन्होंने कहा कि जेडीयू का सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना है केंद्र के स्तर पर, नंबर वन। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो अग्निवीर है वो खत्म होनी चाहिए, ये जो ठेके का आर्मी का नौकरी है। तीसरा उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो रिव्यू चाहते हैं। तीन तो ये बात रही, लेकिन हम ये चाहते केसी त्यागी ने बोला कि किसी तरह की साफ आप चलवा लीजिए, आप स्टेटमेंट चलवाइए। ओके 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 आप ठीक है मेरा कहना है कि अग्निवीर को ठेके की नौकरी हम आपको बता रहे जायज नहीं है। ओके बोलिए। तो फॉर्म सिविल कोड पर हमारी पहले भी पार्टी ने स्टैंड बहुत क्लियर किया हुआ है, अभी की बात नहीं है कि इन प्रिंसिपल हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सहमत हैं, लेकिन शर्त है कि इसके तमाम स्टेक होल्डर से बात करिए, चर्चा करिए, उनको भी कहने देना चर्चा करिए, अगर कोई जेडीयू का तो बोले इस बात चर्चा करिए, स्टेक होल्डर से बात करिए, इस पर चर्चा करिए, जो मॉडल आएगा उस पर बात आएगा। अग्निवीर पर हमने नीति की समीक्षा की हमेशा वकालत करी है और अभी भी उस प्रस्ताव को हमने कहा है कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। अगर युवाओं में कोई निराशा या कोई बात इस पर गई है तो किसी भी नीति की समीक्षा हो सकती है। रुक जाइए आप, अरे रुकिए भाई, चाय पिलाएंगे आपको, रुकिए, चाय पिलाएंगे, रुक जाइए थोड़ा। अग्निवीर पे साथ है तो बताओ, अग्निवीर पे समीक्षा। अब ये कुछ मिसकोट कर देते हैं जातिगत जनगणना, जो पार्टी जातिगत जनगणना बिहार में करा चुकी और जो पार्टी पहले देश में करा के बैठी थी, राहुल गांधी को इसकी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जातिगत सर्वे कराया था, उसका डेटा क्या हुआ? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी नाम का गुब्बारा फूल गया है, सदन फट चुका है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? जो भाषा का इस्तेमाल किया राहुल जी ने, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे वो संसद में आंख मार लेते हैं, कभी चुम्मक कुछ कुछ करते रहते हैं, तो फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़े वो 93, 94, 98 सीट पे थोड़े ठीक हुए, लेकिन सदन की गरिमा, सदन की गरिमा, सदन, अरे तो राहुल गांधी संसद में आंख मारेंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे? वाह, राहुल गांधी ने आंख तो मारी थी, इसमें तो कोई गोरेज नहीं। ओके तो करिए, आप भी करिए। नाम का इन्होंने उपयोग किया उसको लेकर स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा चिल्लाई थी, जनता ने उनको नकार दिया और उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मत करिए। आपकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई हो तो मैं याद दिला देती हूँ, 15 में आप हमारे साथ लड़े, बीजेपी के साथ चले गए, फिर 20 में उनके साथ लड़े, हमारे साथ आए, और बोलिए आप, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, ये कॉमेडी शो नहीं है, एक सेकंड, सत्यजी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। ये जिस तरीके से हूटिंग मजाक होगा ये बिल्कुल गलत, क्या हूटिंग हो रही है, ये हो क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है, ओके सीरियस डिबेट हो रही है, कोई बदतमीजी नहीं हो रही, कोई लोग शांत रहे, नहीं तमाशा करने की बात नहीं, तमाशा मत करिए आप, नहीं तमाशा मत करिए, कमाल है, आपकी गारंटी का मैं क्या करूं सर, मुझे अपनी पब्लिक पे विश्वास है ना। ओके आप बोलिए, मैडम को बोलिए, मैडम को बोलने दीजिए, मैडम सर आप बीच में बोल रहे हैं बार बार, एक सेकंड, आप मैडम को, नहीं आप मैडम को बोलने दीजिए, जनता को निर्धारित आप नहीं कर सकते, आप कमांड नहीं कर सकते सर, मैडम को बोलने दीजिए, लास्ट टाइम मैं भी गारंटी दे रही हूँ, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं एक से
सेकंड में ये छोड़कर मैं बात चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। इस तरह के हुल्ला, इस तरह के सीरियस आप शांत बैठिए, इनको बोलने दीजिए। आप बोलिए ना, सत्यप्रकाश मिश्रा शांत होइए, आप सत्य जी शांत होइए, मेरा रिक्वेस्ट है। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए 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 बोलिए, आप राजेश गुप्ता शांत होइए ना, मेरा निवेदन है। ओके, पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। किसानों के लिए जारी कर दी गंदी भाषा, आपको अभी जा रहा है जी, आपको अभी नहीं जा रहा। राहुल गांधी जी बोले होते हैं तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर ऐसी भाषा का, क्या भाषा आपको गंदी लगी? बोलिए ना नौजवानों पे, अग्निवीर पर बोलिए आप। ठीक है, अब मैं जदयू से निवेदन करूंगा, उतना ही चिल्लाइए सुबह यहाँ, शाम उस पार्टी में, सुबह इस पार्टी में, शाम उस पार्टी में। थोड़ा आराम से रहिए, कल हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाए आपको, तो आवाज कम रखिए। आपको क्या लगता है बड़ा डिसीजन ले सकते हैं क्या? एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन, मैं जिसके पास माइक लेके जाऊं उसी का ऑडियो खोलिए। पहले बोल दिया कि नीतीश जी का जो सेकुलर और फैशिस्ट क्रेडेंशियल है, ही इज अ टॉप पर्सन, ही इज अ एंटी फैशिस्ट मैन, ही विल नॉट सपोर्ट एनी एनडीए फैशिस्ट टेंडेंसी। मैंने बोला कि क्या फैशिस्ट टेंडेंसी क्या है, जैसे इस देश के इंस्टीट्यूशन को खत्म करना, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, जो रेड्डी रेड्डी बंदों से एक डॉलर पैसा गया, एक बंदा बोले वही रेड्डी था ना, पर सर जो केजरीवाल जो की पैसा दिया वो जेल में चले गए, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या है, हजार करोड़ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता जेल में नहीं है। ठीक है रोहन गुप्ता, अब रोहन गुप्ता मारिए। एक बात यह है कि पहले सभी पार्टियों को सभी कॉर्पोरेट पैसा दिया करते थे, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस का सबसे बड़ा रिपोर्ट आया करीब 50 फर्म्स का जी, कि उनके ऊपर एक डेट में, पहले तो उनके ऊपर छापे पड़ते हैं और 10 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ उनके अकाउंट में जाते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, भारत की संसद में पेश होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि उसी रेड्डी के मामले में केजरीवाल जी जेल में है, उसी मामले में रेड्डी फाइनेंसर जो भारतीय जनता पार्टी का जो पैसा डालता है, क्योंकि ममता जी के पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है इंडिया अलायंस के पास, तो फिर राहुल जी से मिल रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये लोग तो दबाव, बीजेपी वाले दबाव डाल के पैसा दे रहे हैं, ईडी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी के एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो विपक्ष के पास एक्सटॉर्शन का कौन सा टूल है कि इनको पैसे मिल रहे हैं? मैंने आपको बोला कि एक्सटॉर्शन करके इन दबाव बना के पैसे लिए गए और बाद में प्रफुल्ल, वो कौन थे बंबई वाले मुख्यमंत्री जी, चक्की पेसिंग पेसिंग पेसिंग, उसके लिए बोले थे जी। और फिर क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी कह रहे थे अमित शाह जी जेल डालूंगा, प्रफुल्ल को प्रधानमंत्री बोले थे बंबई में, क्या हो गया? ठीक है, जवाब जवाब, वजीर बना दिया। ओके, ओके। मेरा वजीर बना दिया, मेरा एक कहना है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चुनाव के पहले इतना बड़ा हल्ला हो रहा था, जैसे ही इलेक्शन इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो जो पूरा लाभार्थी का लिस्ट आया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्षी तरफ से क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे अगर भाजपा को मिले तो वो जबरदस्ती लिए गए, अगर विपक्ष को मिले तो वो प्यार से दी गए, ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। दूसरी चीज, आपने एक विपक्ष के लिए सवाल पूछा कि सीटें बढ़ी है, मेरा ये कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी के मुद्दों को उठाए। दो बड़े मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी पे हमेशा विपक्ष ने सत्ता को घेरा है। आज जहां जहां उनकी राज्य सरकार है, मुझे बताइए कर्नाटक में भी टैक्स बढ़ा दिया तो क्या महंगाई पे वार हुआ क्या? ये महंगाई के साथ आपकी गारंटी के लिए आप बोल रहे हैं कंचना यादव, देखिए महंगाई का मुद्दा आप लोग उठाते हैं और बार बार करते हैं, भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती है, लेकिन महंगाई के मुद्दे के ऊपर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जिसके साथ आपका अलायंस है, उसने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, और जब सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट रहे हैं इस पूरे मामले से। तो पेट्रोल डीजल के दाम तो कर्नाटक की सरकार ने बढ़ाए क्यों? देखिये यही कहते थे राजस्थान में आएंगे तो 400 का सिलेंडर देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, कहाँ गए? और आते ही सरकार में बोले हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। ये झूठे वादे आप लोग करो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप बाई रोड जाओ तो हर इतना टोल टैक्स इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि एक नॉर्मल चीज भी जब ट्रांसपोर्ट होती है रोड के जरिए तो उसका प्राइस टोल टैक्स की वजह से बढ़ा दिया गया है, और उसके मिनिस्टर जो है इनके हैं नितिन गडकरी जी जो भी हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हमारा कोई एक सेकंड हमारा कोई मकसद नहीं है सरकार को अस्थिर करने का, हम चाहते हैं कि इस देश को एक स्थिर सरकार मिले जो सुचारू रूप से काम रेल मंत्री नहीं है
और अगर किसानों पर कुछ हो रहा है तो उस पर इधर उधर बकैती न करे बल्कि आए और साथ में काम करे। तो ये अपनी जवाबदेही तय करे। पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री अभी करे एरर है, शिक्षा मंत्री करे एरर है, बिहार में कर रहे हैं कि लीक हो गया। समझ ही नहीं आ रहा कि इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कहां, इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कहां। जी मैं आपको बता रहा हूं, पहले सत्यप्रकाश मिश्रा आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि हर चीज प्लानिंग के साथ होनी चाहिए और हर चीज पे जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। आप एक बात बताइए अमित देवगन जी, पिछले 10 सालों में कौन सी ऐसी बात हुई जो प्लानिंग के साथ नहीं हुई इस देश में? अगर कोई भी योजना सरकार की आई, चाहे वो किसानों को पैसा सीधा देने का था, क्या ये प्लान नहीं था? और इस बार सरकार बनते ही 20,000 करोड़ उसके लिए जारी नहीं किया गया। गलतियां जहां हुई वहां भी इस बात की देखा देखी की गई और उसकी जांच की गई और संबंधित अधिकारी को उस संबंध में निर्देश दिए गए। बड़ा सवाल क्या क्या बड़ा सवाल यह है कि इस सरकार में क्या बड़े और कड़े फैसले हो पाएंगे भ्रष्टाचार पर, जिस तरह मोदी सरकार पहले कार्रवाई कर रही थी मोदी 2.0 में, क्या 3.0 पे कर पाएगी? नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा बयान हमेशा रहता है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। अगर राष्ट्रहित में कोई भी फैसला होगा एनडीए वो फैसला लेगी, वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, सीमा सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे युवाओं के भविष्य से रिलेटेड हो, हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। बिल्कुल पक्का बिल्कुल। मैं एक दुरा दूं, जब पहली बार केजरीवाल पर ये शराब घोटाले का आरोप लगा और लोग जेल गए, हमारी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है और ट्विटर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, अदालत इस मामले में फैसला करेगी, जांच कमी जो भी जांच अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, हम कभी जांच को नहीं रोकते और अदालत के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। अब राजेश गुप्ता पॉइंट ये है कि आप लोग ब्लेम गेम में यकीन करते हो, यानी आप हिट एंड रन में बिलीव करते हो। पानी की समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, बिजली की कोई समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो जाए तो वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज है। क्या आपको लगता नहीं है कि अपने पॉलिटिकल डिबैकल के लिए जो पंजाब में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार है, आपकी पार्टी जिम्मेदार है? अमीश भाई, जब बीजेपी जीतती है तो आप उनको श्रेय देते हो, तो आप इस बात को समझो कि दिल्ली की जनता ने तीन बार केजरीवाल जी को जिताया, पंजाब में 92 लोकसभा चुनावों की बात कर रहा हूं। एक मिनट, चुनाव तो चुनाव ही है ना, और उसके बाद में दिल्ली के एमसीडी में भी अगर बीजेपी को हराया तो कोई रीजन होगा उसका। अभी जैसे रेल की बात हो रही थी, आज इस देश के अंदर 95% लोग ऐसे जिन्होंने हवाई जहाज को सिर्फ ऊपर से ही देखा है। उसके बाद में अगर आज रेल की टिकट कराने की कोशिश करो ना यहाँ से बनारस की, आपको मिलेगी नहीं। पहले आपको कहा गया तत्काल में जाओ, तत्काल में प्रीमियम तत्काल में जाओ, उसमें देखोगे तो टिकट ऑलमोस्ट फेयर के बराबर हो जाएगी, एयर फेयर के बराबर में। उसके बाद में आपको गाड़ी लेने के लिए मजबूर करा जाएगा, उसमें 50% टैक्स, और इतना टैक्स नहीं लिया जाएगा जो उन्होंने ऑक्ट्रॉय के नाम पर कहा आपसे, इतना टोल टैक्स लगा दिया जाएगा कि आप बर्बाद हो जाओगे। इन पर कोई बात नहीं करेगा, हमेशा मजाक होंगे, हमेशा चुटकुले होंगे। उन्होंने कहा 10 साल में बहुत अच्छा चल रहा था, फिर 18 महीने की एवरेज है इनकी, नीतीश कुमार जी की, इधर से उधर, उधर से उधर टपक जाते हैं। 18 महीने पूरे होने वाले, ध्यान रखना, किसी भी टाइम इधर से उधर हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात चाहिए, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने क्या बोला, राहुल गांधी जी ने बोला या किसी ने भी अगर कोई बात ऐसी संसद में गलत करी, नहीं होनी चाहिए, देश के बच्चे देख रहे हैं, देश का भविष्य कल भी हो जाएंगे। एक मिनट रुकिए, हुई थी वही तो मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने क्या क्या बोला विधानसभा में, इनकी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ खड़े होकर बोल रहे थे, उनका दिमाग खराब हो गया है, सठिया गए हैं, भूल गए, ऐसी ऐसी बातें कि इन बच्चों के सामने कर नहीं पाओगे, भूल गए क्या? ये लोग बार बार पलटते हैं, इनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कह रहे हैं क्योंकि टारगेट किया गया है जेडीयू को, पलटू राम है आप लोग। देखिए, ये कांग्रेस को गाली देते थे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, सारा पता चल जाएगा, घोटाला का, उनके गोद में जाके कांग्रेस में बैठ गए। हम सिद्धांतों पर, समय के हिसाब से, परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति में हमने जरूर अपने साथी बदले, लेकिन हमने अपनी नीतियां नहीं बदली। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई जारी रहा, सुशासन गर्व से 18 साल से बिहार में चला रहे, और देश में गौरव है, बिहार का विकास दर देश में सबसे ज्यादा है, लगातार है, गूगल करके आप देख लीजिएगा इस बात को। महीने की बात नहीं, वो ठीक है, हमने साथी चुने थे, हम इसको मानते उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी, और अभी हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े तो देश में सबसे अच्छा, नहीं देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन एनडीए का कहां रहा, बिहार में रहा। तो हम उनके साथ हैं, खड़े हैं। देखिए इन्होंने जो पलटी मारी, जो आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने जो पलटी मारी उसको देश की जनता ने, खासतौर पर बिहार की जनता ने, क्योंकि वो उनका राज्य है, उसको स्वीकार कर लिया। इनको और बीजेपी, यानी रोहन गुप्ता की पार्टी को और सत्यप्रकाश जी की पार्टी को झोली भर के सीटें दी। आपने भी एक पलटी मारी, आपने कांग्रेस के साथ अलायंस करा, लेकिन दिल्ली की जनता ने उसको बुरी तरह से अस्वीकार किया। पंजाब में भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आपने तब पहले भी इसका जवाब नहीं दिया, अब भी इसका जवाब अगर दे दे तो बेहतर है, क्योंकि देश की जनता सुनना चाहती है। जो पोल डिबैकल आम आदमी पार्टी को हुआ है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश की जनता ने जो कर हम से स्वीकार करते हैं, हम इनकी तरह ट्विटर पे मजाक नहीं करते कि अयोध्या मत जाओ, अयोध्या ने दुश्मन निकाल ली, अयोध्यावासी पहले बुरे थे, हम ऐसे नहीं करते।
हम स्वीकार करते हैं। बीजेपी ने बोला अयोध्या में ट्विटर उठा के देख लो, ट्विटर उठा के देखो, ट्विटर के इनके फॉलोअर्स को देख लो, जिनको मोदी जी भी फॉलोअर्स कर रहे हैं उनको उठा के देख लो, वो हमारे लोग तो है नहीं जो लिख रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि ये लोग जो इनको नहीं चुनते हैं ना, वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं, वो देश विरोधी हो जाते हैं, वो अयोध्या विरोधी हो जाते हैं। ये इसकी किस्म की राजनीति करते हैं, हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में 18 साल से इतना कुछ शासन हुआ, इतना दुख हुआ, इस बात को सुन के मैं बता नहीं सकता। मेरे साथ बस्तियों में चलना, दिल्ली में, बॉम्बे में, सूरत में, पंजाब में चलना, खेतों में जो काम करते हैं ना बेचारे सारे पूर्वांचल के लोग हैं, इनकी वजह से वो लोग बाहर जाके अपने बच्चों को छोड़ के नौकरी करते हैं, दिहाड़ी में काम करते हैं इनकी वजह से, और ये लोग कहते हैं गर्व है। ओके 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 ओके, रोहन गुप्ता की बारी है, रोहन गुप्ता की बारी है, लेकिन मैं रोहन गुप्ता की बारी है, वो कहते हैं कि अयोध्या आप हार जाओ तो हिंदू खराब हो जाता है, देश अगर हार जाओ तो देश खराब हो जाता है, मतलब देश विरोधी लोग हो जाते हैं। देखिए ये इनकी सोच है, पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा अमीश भाई, देश की जनता स्मार्ट है, जनादेश की जब हम बात कर रहे हैं, ये लोग ये कहते हैं पंजाब में कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और दिल्ली में कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, तो जनता नहीं कहती हम आपके हैं कौन। ये इनको समझना पड़ेगा कि जनता इतना ज्यादा विरोधाभास सहन नहीं करती। अब ये बोल रहे थे जेडीयू के लिए खराब बोल रहे थे, यही जेडीयू ने दावा किया है कि उनको प्रधानमंत्री पद की ऑफर दी गई, अंगूर खट्टे हैं। आप स्वीकार कीजिए ना कि आपकी हार हुई है, आप सशक्त विपक्षी तरह काम कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए, अपने मुद्दों को लेकर चलिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, उसका सोल्यूशन दिखाइए। सिर्फ उंगली उठाने से कभी भी देश की जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी। मुझे कुछ सवाल लेने हैं, कुछ हाथ खड़ा करें, जो हाथ खड़ा करेगा उससे सवाल लूंगा मैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, छात्रों के साथ इस देश में रोजाना हो रहा है, रोजाना पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें आके प्रधानमंत्री जी कुछ क्यों नहीं कहते हैं, क्यों अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं, क्यों? रोहन गुप्ता जवाब। रोहन गुप्ता, छात्रों का एक बड़ा मुद्दा है, राहुल जी ने भी इस बात को उठाया, राहुल गांधी ने भी बोला कि प्रधानमंत्री को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, जवाब। देखिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और जिस प्रकार से सरकार को जो कार्यवाही करनी चाहिए पूरा, और सरकार ने क्लियरली कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अमीश भाई मैं ये चीज राजनीति से ऊपर उठ के ये कहना चाहूंगा, मैं भी युवा हूं, कि ये जो मुद्दा है, ये देश की जो पूरा ढांचा है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। हम राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार की, तब भी 20 पेपर लीक हुए थे। तो जब आपकी इच्छा शक्ति होगी कि नहीं हमको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है और इसके ऊपर राजनीति नहीं होगी, तो मुझे लगता है राजनीति, देखिए अफसोस के साथ में बात बोल रहा हूं, लेकिन राजनीति सारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, और बाकी दल भी कर रहे हैं। अब मैं एक आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनके पीएस पे आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा, कल मेरे साथ वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी थे, उन्होंने बोला देखिए ये तो सब उनके भाई, लेकिन उस विभाग के मंत्री तो सिन्हा साहब ही हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है? अगर तेजस्वी यादव का पीए कमरा बुक करा रहा है और सारी साठगांठ हो रही है, तो फिर ये सरकार क्यों है? जिम्मेदारी पूरी सिस्टम की है, मैं अभी वापस बोल रहा हूं, वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार, सबकी जिम्मेदारी है, सबको मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। थैंक यू, सीधाकशी सरकार नहीं होगी, पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। और मैं इससे कंचना यादव आपके पास भी आना चाहता हूं, तेजस्वी यादव का अगर पीएस पे इतना बड़ा ब्लेम लगा है, देखिए आरोप है, उनकी जांच होगी, लेकिन आपको लगता नहीं है कि अगर कॉल प्रूफ दिखाए जा रहे हैं, कई चीजें सामने आ रही हैं, और नीट का इतना मतलब पेपर लीक का इतना बड़ा मामला है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें आपको भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए? नहीं, आप चलाए नहीं होंगे, लेकिन तेजस्वी जी इस पर आकर बोल चुके हैं, उन्होंने बोला कि अगर है हम, अगर आपको लगता है इन्वॉल्व है तब गिरफ्तार करिए, आप क्यों नहीं कर रहे? आप तेजस्वी जी ने उनको अपने साथ से हटा दिया, फालतू में आकर एक व्हाट्सएप कॉल और एक ट्विटर वो फॉरवर्ड करके कुछ लाकर दिखा देंगे आप और आरोप लगा देंगे, ये तो उन्होंने एक ऑनलाइन बोली थी, मैंने पूरा सुना, तेजस्वी यादव ने बोला कि इनको फंसाया जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं किसी सरकार को क्लीन चिट देने का अधिकार नहीं रखता, मैं क्लीन चिट उन किसी को नहीं दे रहा, लेकिन ये छात्रों के भविष्य का मामला है, ये इन छात्रों की बात है, ये करोड़ों छात्रों की बात है जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और मैं उन छात्रों के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा हूं मेरे 24 साल के करियर में, और आज भी उठाता रहूंगा, चाहे कल मुझे देश के एचआरडी मिनिस्टर से सवाल पूछना हो या देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा हो, मैंने गुरेज नहीं करा बिना। और लेकिन जी लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको तो पहले पीएस को तो बेदखल करा जाए थोड़े समय के लिए? एक सेकंड आप सुन लीजिए, आप बेदखल पीएस को करने की बात कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं जी कोई स्कैम ही नहीं हुआ, कोई लीक ही नहीं हुआ, एरर हुआ है, शेम ऑन यू, एरर हुआ है। और यहाँ दो उनके नेता पर्ची लेकर चिल्ला रहे कि पेपर लीक उन्होंने करवा लिया, इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? हमारे ये जो मुख्यमंत्री जी हैं कह रहे थे कि जो भी पर्चा लीक में शामिल होगा बुलडोजर चलेगा उसके घर पे, बुलडोजर बाबा बोलते हैं, लड़के लोग हमारे बड़ा खुश हो जाएंगे, बुलडोजर बाबा है वो। गुजरात का जो कंपनी है जो पर्चा छापता है, एआरओ के जो समीक्षा अधिकारी के पर्चे थे, लेखपाल के जो पर्चे थे, वो गुजरात से छपे,
उस आदमी पे FIR हुई, आप जानते हैं जी, जो सांस्कृतिक सरकार है ना हमारे भाई रोहन भाई की, उस आदमी को देश से बाहर जाने दिया गया। ओके जवाब जवाब, रोहन गुप्ता का जरूरी है, देखिए हवाई जहाज से उड़ने दिया गया। जवाब जवाब, कहां है वो रोहन गुप्ता का, कहां है वो क्रिमिनल जो हमारे देश के डिवाइड छात्रों की जिंदगी को बर्बाद किया। देखिए ये जो मानसिकता है, उन्होंने कहा बहुत आपत्तिजनक शब्द यूज किया, अयोध्या प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट की कौन सी बात है, ये तो आस्था का विषय है। और डिवाइड कौन कर रहा है, जो तुष्टीकरण करता है वो डिवाइड करता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर 15 बार माइनॉरिटी वर्ड लिखा है तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है, आप डिवाइड कर रहे हो। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है जो आपके सहयोगी, क्योंकि इंडिया अलायंस के पार्टनर ने बोला आप उस बात से एग्री करते हैं, अयोध्या नाम का प्रोजेक्ट बीजेपी ने चलाया और देश को डिवाइड करने की कोशिश करी, डू यू एग्री टू इट? देखिए अमीश भाई, क्या होता है कभी कभी, जैसे आपने एक लाइन पकड़ी, जैसे बच्चे ने लाइन चुना दी चार, देखिए एक इंडिविजुअल क्या कहता है और क्या कहना चाहता है उसमें अंतर हो सकता है। जैसे शक्ति के ऊपर बड़ी बहस हुई थी कि राहुल गांधी जी ने कह दिया हम शक्ति के खिलाफ हैं, और एक इंस्टीट्यूशन एज अ पार्टी बीजेपी क्या चलाती है वो ट्विटर और फेसबुक खोल के देख लो। जो अभी रोहन भाई ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, रोहन भाई ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, हम यही तो कह रहे हैं। माइनॉरिटी सर सिर्फ मुस्लिम्स नहीं होते, जैन भी माइनॉरिटी में आते, बुद्धिस्ट भी माइनॉरिटी में आते, क्रिश्चियन भी आते। लेकिन बात जैनों और बुद्धों की तो कोई करता ही नहीं है, ये ना क्रिश्चियंस की भी नहीं करता, माइनॉरिटी के नाम पर इस देश की, इस देश में सिर्फ एक ही कौम दिखाई देती है, समस्या ये है, सिखों की कोई बात नहीं करता। अमीश भाई ऐसा, ये फैक्ट है सर, फैक्ट, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, फिर कह रहा हूं सर, शाहबानों के लिए राजीव गांधी की सरकार ने फैसला पलटा था, शाहबानों के लिए, अगर 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 जूलियट होती तो बदला नहीं जाता। सुनिए मैं साफ, उसी 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 राजीव गांधी ने रामलला के ताले खोले थे, उसकी बर्बाद करते हो आप नहीं कर रहे, ताले किसने खोले, खोले थे ना, और उसी और उसी राजीव गांधी की पार्टी ने संसद के परिसर में पीवी नरसिम्हा राव ने यह कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को तामील करेंगे देश के सदन के अंदर खड़े होकर, यह भी सत्य है। देखिए मेरी बात सुनिए जी, अगर आप, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कुछ चीजों का फैसला लोगों ने करा, आपने जिस बात पे डिबेट पे शुरुआत करी, मैं हिंदू मुस्लिम पे जाने नहीं चाहता, जवाब हो गए, सिंपल बात है, लोगों ने आज मैंने तो हिंदू मुस्लिम पे क्या नहीं, मैंने तो आपके साथी ने जो बोला उस पे आपसे कमेंट ले रहा हूं और आप भाग रहे हो। मेरा ये कहना है कि एक मैंडेट आया है सरकार के पास में, आया है सरकार को मैंडेट देने का मतलब ये कतई नहीं होता कि जो मर्जी करते चले जाओ, इसलिए तो विपक्ष है। बिल्कुल सरकार का सबसे पहला काम है, बहुत अच्छी तो बात क्या सदन में क्या होगा इस बारी, सदन सदन का सत्र आ रहा है क्या, जी ने कहा कि सारी की सारी पार्टी से बात करनी चाहिए, सब सारी पार्टी से सबसे पहले तो अपोजिशन है ना, अपोजिशन से बात कैसे लेके आना है, हां सबसे मिलना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, बात करनी है देश के आगे, जी 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 आखिरी 10 सेकंड लोग बोलते 140 करोड़ की जनता की आप बात करते हो, मणिपुर पे आज तक कुछ नहीं, लद्दाख में फुनसुक वाकुर इतने दिन बैठे रहे उसके ऊपर, धरना के ऊपर अनशन छोड़ के 21 दिन तक कहां थे सर? ओके जवाब जवाब, रोहन गुप्ता देना चाहूंगा, मणिपुर पे पूरा सदन बुलाया गया, ऑडियंस पे सवाल उठा रहे थे, ये आप खुद देखिए, आपने आपने उठाया था सवाल, जवाब दे दो, उन्होंने ये उठाया आपने, इसलिए इसलिए ओके ओके बोलने बिल्कुल अच्छे थे, नहीं तो कोई अब आप तरीका किसी का डिवाइड नहीं कर सकते, रोहन गुप्ता बोलिए, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर पे पूरा सदन बुलाया गया, विपक्ष को मणिपुर पे पूरे सदन को बुलाया गया, विपक्ष को मौका दिया, विपक्ष ने वॉकआउट करके मणिपुर का अपमान किया। देखिए संसद है, सब चीज पे चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर में शांति अभी भी नहीं है, बिल्कुल देखिए, और इसीलिए आज अमित शाह जी दो दिन पहले सबको मिलके, सबकी जिम्मेदारी है, मिलके शांति बहाल करें, शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए, फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, आप सबको मेरी राम राम और नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन इस देश की जनता ने एक मैंडेट दिया है, एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है नरेंद्र मोदी को तीसरी टर्म के लिए, और संदेश भी दिया है सरकार को, यानी जनादेश भी है और वो संदेश के साथ है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आपको मेरी नमस्कार, गुड नाइट।